अनुपमा को बेगुनाह साबित करने के लिए अनुज ने किया सबसे बड़ा शो, पूरी दुनिया के सामने लाया पारितोष की गंदी करतूत। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कैसे अनुज पहुंच जाते हैं अनुपमा को बचाने के लिए और कैसे वो फूड क्रिटिक्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो औरत अपने किचन को अन्नपूर्णा का घर मानती है वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, अब फूड क्रिटिक्स के खाने में तो आ गया है एक बहुत बड़ा कॉकरोच। अब भले उंधियू बिरयानी में जो सिग्नेचर डिश है अनुपमा की, उसमें ऐसा कैसे कॉकरोच निकल सकता है और इतनी बड़ी गलती अनुपमा के हाथ से कैसे हो सकती है। अब ये बातें जानकर अनुपमा तो बहुत बड़े सदमे में है, लेकिन अब अनुज भी लग गए हैं अनुपमा को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो दोस्तों, अब आगे क्या क्या होगा और क्या पता चला है पारितोष के बारे में, ये हर बात हम आपको बताएंगे। बस आपको करना ये है कि हमारे इसी चैनल के साथ जुड़े रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब अनुज जान चुके हैं, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से ये पता कर लिया है कि पारितोष ही है जिसने उस बिरयानी में कॉकरोच डाला था। जी हाँ, पारितोष के मन में अनुपमा के लिए बहुत ज़्यादा जहर है, इसीलिए शायद वो देख ही नहीं सकता कि अनुपमा ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके। और अनुपमा को बर्बाद करने के लिए पारितोष ने ही ये सारी चाल चली है। अब जब ये बात अनुज जान चुके हैं तो अनुज ये बात मीडिया में भी बता देते हैं, लेकिन मीडिया के एक्सप्लेनेशन के बाद और रिविलेशन के बाद भी लोगों के मन में अब ये डर सा बैठ गया है कि स्पाइस एंड चटनी काफ़ी अनहाइजीनिक है। अब ये बात अनुज भली भांति जानते हैं और इसीलिए अब उन्होंने अब ऑर्गेनाइज किया है एक बहुत बड़ा स्टेज शो। जी हाँ, पूरी दुनिया के सामने वो सच को सामने लाते हैं और इतना ही नहीं, अनुपमा भी आती है इस शो में और सबको बताती है और माफ़ी मांगती है कि कैसे स्पाइस एंड चटनी के हाथ से ये भूल तो हुई है, लेकिन इस भूल के पीछे उसका हाथ है ही नहीं। पूरे स्टाफ की तरफ से अनुपमा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और बताती है कि कैसे इन सब चीज़ों के पीछे पारितोष का हाथ है। इतना ही नहीं, जो फुटेजेस होते हैं वो भी सबके सामने दिखाते हैं अनुज इसी स्टेज शो में। जी हाँ दोस्तों, अब ये बातें जानने के बाद अब पूरी लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और अब वो धीरे धीरे अनुपमा को मानने लगे हैं और फिर से चाहने लगे हैं और विश्वास भी आने लगा है अनुपमा की कुकिंग्स पर। लेकिन अब दोस्तों, और आगे आगे क्या होगा और इस चीज़ का पारितोष कैसे बदला लेगा, ये हम आपको बताएंगे। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ ही जुड़े रहना है। हम बड़ी मेहनत से हर एक एक्सक्लूसिव अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, इस वीडियो को भी लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।